Vikrant Group of Institutions. Where were our students placed? Two top-notch companies in the country. We stand apart with our unique teaching style through study tours, industry visits, workshops, seminars and other personality development programs. Vikrant Group of Institutions. Leadership through learning. इंदौर जिले ने कल की में 1606 सैंपल्स लिए थे, जिसमें से 1135 की हमने सैंपल की जांच करवाई है। इसमें 1048 नेगेटिव सैंपल्स रहे हैं और 35 पेशेंट पॉजिटिव रहे हैं। ये करीब 3% के लगभग बनता है। इसी तरह से टोटल अभी तक हम 42,827 सैंपल ले चुके हैं, जिसमें पॉजिटिव हमारे 3,722 रहे हैं और डेथ्स हमारे पास 153 हुई हैं, जो 4.1 है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ से जितने पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज किए जा रहे हैं या भर्ती किए जा रहे हैं, वो डिस्चार्ज भी स्वस्थ होकर के घर जा रहे हैं। ये हमारा परसेंटेज करीब 62% है, जो प्रदेश में काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। और टोटल संख्या हमारी डिस्चार्ज होकर के 2324 पेशेंट्स जा चुके हैं। ऐसे ही फीवर क्लिनिक पर डेली के हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। फीवर क्लिनिक पर सभी जोन पर आईसी एक्टिविटीज़ भी की गई है, बैनर्स होल्डिंग्स लगाए गए हैं कि यहाँ पर अपनी जांच कराएं। कल का हमारा अपडेट ये है कि 13,717 केसेस फीवर क्लिनिक पर अभी तक आ चुके हैं। उसमें 35 पेशेंट्स हमारे सारी के पेशेंट्स निकले हैं और 357 पेशेंट्स हमारे ILI के पेशेंट्स निकले हैं, जिसमें होम क्वारंटाइन किया गया है। उनको सलाह दी गई है होम आइसोलेशन के लिए। वहाँ पर करीब 138 पेशेंट्स हमारे होम आइसोलेशन में हैं। उसमें से 2 पेशेंट्स को हमने हॉस्पिटल भी भेजा है। निश्चित रूप से थोड़ा सा डेथ्स का एकाध केसेस बढ़ा है, लेकिन ऐसा ज़्यादा इतनी ज़्यादा उसमें रिमार्केबल नहीं है कि जिस इनके साथ कोमॉर्बिड पेशेंट भी थे, जिनके साथ में डायबिटीज़ है, किडनी वाले पेशेंट्स भी थे, ओल्ड एज है, 78-74 ईयर्स के पेशेंट्स भी थे। ये अदर फैक्टर्स भी थे जिसकी वजह से ये हमारी डेथ्स हुई हैं। पहले हम 2.7% और 2.5% थे, अभी हमारे आज की तारीख में कल के उसमें 4.1% है। ये थोड़ा सा हमारा परसेंट बढ़ा है। इसमें पहले हम काफ़ी नीचे तक आ गए थे और ये वैक्सीन पेनिंग थोड़ा होता रहेगा। जैसे जैसे पेशेंट्स के साथ में दूसरी डिसीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनके साथ में डेथ के उतनी रिस्क भी बढ़ी रहती है। जो हमारे पास राज्य शासन से भी इस तरह से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हमारे पास आए हैं, उनकी लाइन लिस्टिंग करें और उनके टीवी की हम जांच करवाएं। उसमें से ऐसे कुछ पेशेंट्स टीवी के रिलेटेड हैं जिनके पास ऑलरेडी संक्रमण की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। तो हम उसके लिए आज ही हमने DTO से बात की है और एक लाइन लिस्टिंग बना करके हम उनका भी सर्वे कराएँगे, जिससे कि ऐसा तो नहीं उसमें से कुछ पेशेंट्स हमारे टीवी के